my channel. So today I am showing you how to draw nose. So nose draw करने के लिए मैं सबसे पहले HB pencil का यूज करूँगी. आप चाहे तो mechanical pencil का यूज करते हैं कर सकते हैं, इस तरह का होता है ये. So यहाँ पे मैं HB pencil का यूज करके बताऊँगी. So पहले outline draw करेंगे. Outline HB pencil से draw किया जाता है क्योंकि ये light होता है. So स्टेप वन में देखते हैं मैं कैसे ड्रॉ करती हूँ. स्टेप वन के लिए मैंने सिर्फ राउंड किया है. ये सेकेंड स्टेप है. थर्ड स्टेप में मैंने बेस से डिवाइड कर दिया है. वो सेम प्रोसेस वही था. सभी को मैं HB पेंसिल से ही ड्रॉ करूँगी क्योंकि ये फर्स्ट लेयर है. आउटलाइन के लिए हमें HB पेंसिल का यूज करना चाहिए, डार्क पेंसिल्स नहीं. ये एकदम रियलिस्टिक लुक देगा आपको अगर आप पहले HB पेंसिल का यूज करते हैं. Thank you.
ये नोज का सबसे लास्ट स्टेप है, तो इसमें मैंने अगेन HB पेंसिल का यूज किया है आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए। सो पहले मैंने राउंड शेप किया है एंड सेकेंड स्टेप में मैंने क्या बताया था उस साइड से ऐसे करने के लिए। उसके बाद राउंड शेप को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे जिस तरह से मैंने किया है वहाँ पे आप देख सकते हैं। शेडिंग के लिए मैं यहाँ 10B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ वो डार्क एरिया को डार्क करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि मैं जितना भी पेंसिल यूज करूँ यहाँ पे आउटलाइन का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए ये बहुत ही सॉफ्ट होती है और अच्छी है, अच्छी तरह से ब्लेंड भी हो जाती है। सो आप चाहे तो आउटलाइन पेंसिल का यूज कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा है आउटलाइन पेंसिल यूज करते हुए, बहुत अच्छा पेंसिल है पेंसिल क्वालिटी में ये। सो मैं यहाँ पे शेडिंग कर रही हूँ जहाँ पे हाईलाइट एरिया है उस एरिया को ब्लैंक उसको छोड़ देना है और बाकी एरिया को शेड कर देना है क्योंकि वहाँ पे हाईलाइट करना है, इसलिए मैंने वहाँ पे शेड नहीं किया है।
सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।